हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के सबसे पहले ट्रू 3D गेम के बारे में। तो गाइज, आप हमेशा बोलते रहते हो ना कि इंडिया जो है कोई हाई क्वालिटी गेम नहीं बनाता, बेसिकली कोई गेम ही नहीं बनाता हमारे अपने कंट्री के लिए। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि देखो, इंडिया ने भी गेम बनाया एंड बहुत सारे गेम बनाए हैं। मे बी वो क्वालिटी उतनी हाई नहीं थी या इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी नहीं थी, बट स्टिल इंडिया में भी कुछ ऐसे गेम्स बने हैं जो आई थिंक काफी अच्छे हैं एंड आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे। तो आज जो मैं जिस गेम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो गेम है इंडिया का पहला 3D गेम। एंड जिन लोगों को भी मालूम है कि पहला 3D गेम कौन सा था इंडिया का, तो कमेंट सेक्शन में जाके बताना। एंड जिन लोगों को नहीं पता है, वो लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहे, हम उसी गेम के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आपको नहीं पता कि इंडिया का पहला 3D गेम कौन सा है, तो इंडिया के पहले 3D गेम का नाम है गजनी द गेम। अब ये गजनी वर्ड से आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा कि गजनी नाम की एक मूवी आई थी जिसमें आमिर खान हीरो थे एंड ये काफी साल पहले आई थी, 2008 में ये मूवी रिलीज हुई थी। इस मूवी ने काफी ही तगड़ी कमाई करी थी। बेसिकली ये वही मूवी थी जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 100 करोड़ क्लब जो है ओपन किया था। तो अचानक से हम इस गेम के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, दो रीजन है। पहला ये कि ये इंडिया की पहली 3D गेम थी, बेसिकली पहली 3D नहीं, पहली ट्रू 3D कह सकता हूँ, बिकॉज 3D गेम जो थी वो इंडिया की एक दूसरी गेम है जिसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, बट ट्रू 3D गेम की बात कर रहे हैं जो कि गजनी द गेम थी। एंड जिस टाइम पे गेम रिलीज हुई थी उस टाइम पे जो है इंडिया में ज्यादातर गेम्स बनते नहीं थे या फिर बहुत ही कम स्टूडियो थी जो गेम्स बनाती थी। एंड उस टाइम पे कुछ ऐसी सीरीज बन गई थी कि हर मूवी के जो है गेम की अनाउंसमेंट होने लगी थी, एटलीस्ट जो भी हिट मूवीज थी उसकी। एंड दूसरा रीजन ये कि जिन लोगों को लगता है कि इंडिया जो है गेम नहीं बनाता है, इंडिया ने कोई हाई क्वालिटी गेम नहीं बनाया है, तो उनके लिए ये है जवाब, गजनी द गेम। मैं ये नहीं कहता कि ये ग्राफिक्स के मामले में या गेम क्वालिटी के मामले में इंटरनेशनल गेम्स के साथ कंपेयर करो, बट स्टिल इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप इस गेम को कंपेयर करो किसी भी दूसरे इंडिया की गेम से, तो ये गेम जो है मैं कह सकता हूँ कि टॉप पर ही आएगा। एंड उसके काफी सारे रीजंस हैं जो मैं आगे बताऊंगा, पर उससे पहले बात कर लेते हैं इस गेम के बारे में। तो गजनी मूवी का जो गेम है ये सेम टू सेम इसकी मूवी के स्टोरी बेसिस पे ही बनाया गया है। इसको गेम जो है थर्ड पर्सन शूटर गेम है एंड इस गेम को बनाया है FX लैब एंड गीता आर्ट्स ने। इसको डिस्ट्रीब्यूट किया था इरोस एंटरटेनमेंट ने। जो इसकी प्रमोशन की गई थी वो इंडिया के फर्स्ट 3D गेम के नाम से की गई थी, इसीलिए हम आज इस गेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो गेम के अंदर जो है ज्यादा बड़ी गेम नहीं थी, मैंने इस गेम को खेला था, 5 ही लेवल थे एंड काफी छोटे छोटे लेवल्स थे। तो गेम के अंदर आपका मेन कैरेक्टर जो है वो आमिर खान है एंड आमिर खान यानी कि संजय सिंघानिया जो कैरेक्टर है आप वो प्ले करते हो। आपके पास कुछ कॉम्बैट स्किल्स हैं, लाइक आप मार्शल आर्ट से जो है किकिंग वगैरह पंचेस वगैरह कर सकते हो, जो नॉर्मल कॉम्बैट स्किल्स होती हैं गेम के अंदर वो सारा कुछ है। इसके अंदर जो है आपको गजनी यानी कि जो गेम का विलन है आपको उसे मारना है। आपके पास कुछ अलग वेपन्स रहेंगे, लाइक आपके पास डंडे वगैरह रहेंगे जिससे आप गून्स को मार सकते हो, बाकी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स जो है आप यूज कर सकते हो। गेम जो है काफी ज्यादा इंस्पायर्ड था मैक्स पेन गेम से, बेसिकली इसमें काफी सारे गेम से जो है इंस्पिरेशन ली थी, बट स्टिल एक अच्छी इंस्पिरेशन ली थी। तो FX लैब ने जो है बहुत अच्छा काम किया था इस गेम के ऊपर, इस गेम को पूरा डिजाइन करने के लिए। पर गेम जो था वो काफी छोटा था, तो अगर आप लोगों को ये गेम पसंद भी आता तो आप इसे ज्यादा खेल नहीं सकते। मैं ये कह सकता हूँ कि जब मैंने इसको खेला था तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इसको किसी इंटरनेशनल गेम के साथ कंपेयर करूँ, तो मैं काफी लो एक्सपेक्टेशन के साथ जो था इस गेम को खेल रहा था, बिकॉज मैंने इससे पहले जो था काफी बड़ी बड़ी गेम्स खेल रखी थी, लाइक प्रिंस ऑफ पर्शिया, मैक्स पेन 2 वगैरह। जब ये गेम मैं खेल रहा था 2008 के ही टाइम पे मैंने इसको खेला था, रिलीज के कुछ 2-3 महीने बाद ही मैंने इस गेम को खेला था। तो स्टार्टिंग में जब गेम खेला तो गेम के साउंड इफेक्ट के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, गेम में मूवमेंट के लेकर के थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, बिकॉज ये उतने फ्लूइड नहीं थे या उतने स्मूथ एनिमेशन कैरेक्टर नहीं थे जो बाकी गेम्स में हमें देखने को मिलते थे, लाइक GTA हो गया या फिर दूसरी बड़ी गेम्स हो गए, तो वैसे नहीं था। बट स्टिल मैं मैनेज कर गया था गेम में मूवमेंट करने को लेकर के। स्टोरी जिस तरीके से बनाया गया था वो भी काफी कमाल था। गेम के अंदर कटसीन्स में आपको कॉमिक आर्ट स्टाइल के कटसीन्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से दिखाए गए थे। जो आर्टवर्क था गेम का वो टॉप नॉच मैं कह सकता हूँ, बहुत ही मस्त मजा आता था जब भी कटसीन आता था। और जो इन्वायरमेंट इन्होंने सेटअप किया था वो हमारे लोकल इन्वायरमेंट ही थे, आपको यहाँ पे ऑटो रिक्शा वगैरह देखने को मिल जाते थे, जो गुंडे थे वो हिंदी में बात करते थे और बाकी सारे जो मेन कैरेक्टर था वो हमारी इंग्लिश में बात करता था। तो इस तरीके का कुछ गेम प्ले था। एक मिशन था इसके अंदर जिसमें हमें पुलिस स्टेशन के अंदर छुप के जाना होता है, वो मिशन ही सर कपाऊ मिशन होता है। अगर किसी को याद होगा तो पता होगा कि पुलिस से छुप छुप के जाना कितना मुश्किल था, वो सेकंड मिशन था मेरे ख्याल से। तो बहुत ही अच्छी अच्छी मेमोरीज थी इस गेम के लेकर के। एक चीज मैं कहूंगा कि बाकी सारी चीज
चीजें मे भी आप लोगों को शायद पसंद ना आए, इसके साउंड इफेक्ट्स वगैरह या ग्राफिक्स, बट जिस हिसाब से इंडिया ने गेम बनाया था, जिस टाइम पे इसको बनाया गया था, उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि काफी अच्छा बनाया था। इस गेम ने एक अच्छी चीज करी थी, वो ये थी कि आमिर खान का फेस जो था वो काफी अच्छे से इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया था। आई डोंट नो कि उन्होंने उस वक्त कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी थी, बट एक फेस को जो है, एक फोटो रियलिस्टिक फेस को जो है इन लोगों ने एक मॉडल के ऊपर चिपकाया था, जो कि बिल्कुल भी बैड क्वालिटी का नहीं लग रहा था, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का फेस इन्होंने इम्प्लीमेंट किया था मॉडल के ऊपर। एंड उसके लिए आज भी मैं स्टूडियो को अप्रिशिएट करता हूँ, बिकॉज जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था कि गजनी का एक गेम आ रहा है, तो मेरा सबसे पहला थॉट ये था कि भाई आमिर खान का फेस कैसे वो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं मॉडल के ऊपर, बट सरप्राइजिंगली उन्होंने बहुत ही इजिली जो है ये फेस इम्प्लीमेंट किया। और एटलीस्ट जब भी आप गेम खेलोगे और करेक्टर को देखोगे तो आपको फील होगा कि हाँ ये आमिर खान ही है, ये कोई भी ऐसा डब्बा या लो पॉलीगन मॉडल नहीं है जिसको सिर्फ नाम लिख दिया है आमिर खान, ऐसा नहीं है। फेस जो था इन लोगों ने काफी फोटो रियलिस्टिक फेस डाला था, एंड मेरे ख्याल से गेम के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट वही रही होगी, क्योंकि उस टाइम पे जितने भी गेम्स बनते थे उनकी ग्राफिक्स, उनके जो फेस होते थे वो हमेशा परफेक्ट नहीं होते थे, बट इस गेम में जो आमिर खान का फेस था वो काफी परफेक्ट था। तो ये चीज मेरे को काफी पसंद आई थी इस गेम में। गेम के ग्राफिक्स मैं नहीं कहता कि सबसे बेस्ट थे, बट स्टिल इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छे ग्राफिक्स थे, जो स्टूडियो मेरे ख्याल से कर सकती थी उन्होंने किया, एंड ये काफी अच्छी बात थी इस गेम की। गेम जो है 5 लेवल का है, तो हर एक लेवल में जो है आप अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पे जाते हो, वहां पे आपको फाइट करनी होती है, वहां पे कुछ चीजें इकट्ठी करनी होती है जिससे आपको नेक्स्ट लेवल का क्लू मिलता है, आपको गून से फाइट करना है, उसके बाद फिर आपके पास हमेशा मेले वेपन वगैरह रहता ही है, अगर नहीं रहता है तो आपको जो है हैंड कॉम्बैट वगैरह यूज करने होते हैं, तो इस टाइप का कुछ गेम प्ले था। तो गाइज अगर आप लोगों ने गजनी का गेम खेला है तो आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों को गेम कैसा लगा, और अगर आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि हमारे इंडियन प्लेयर्स को भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया ने भी कुछ गेम्स बनाए हैं। मेरे हिसाब से इंडिया का सबसे बेस्ट गेम मैं मानता हूँ इसको अभी भी, आज भी, बिकॉज उसके बाद से मुझे नहीं लगता इंडिया ने कोई ऐसा बड़ा गेम प्रोड्यूस किया है, क्योंकि इतने हाई बजट का गेम प्रोड्यूस करना मुझे नहीं लगता किसी ने रिस्क लिया होगा, एंड ऐसे स्टूडियोज है भी नहीं जिन्होंने गेम बनाया है इंडिया के लिए, फॉर इंडिया, बाय इंडियंस। अगर आप लोगों को और भी कोई ऐसे गेम पता है जो इंडिया ने बनाया है जिसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए गाइस मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।